खाओ स्वस्थ, रहो मस्त। क्या हुआ मटरू, इतनी जल्दी थक गई? हाँ मटरू, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्योंकि मैं थक गई हूँ, अब बस और नहीं खेला जा रहा है। क्यों, तुमने आज खाना नहीं खाया? मैंने खाया तो था। क्या हुआ बच्चों, यहाँ सब मटरू को घेर कर क्यों खड़े हैं? मैडम, हमें और खेलना था, पर मटरू बहुत थक गई है और अब वो खेलना नहीं चाहती। चलो क्लास में इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, क्या आप सभी को पता है कभी कभी हमारा शरीर बहुत थका हुआ क्यों महसूस करता है? नहीं मैडम। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम सभी अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, या ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छे से ना खाने का मतलब क्या होता है मैडम? अच्छे से ना खाने का मतलब होता है समय से नहीं खाना, सही मात्रा में नहीं खाना, या फिर सही प्रकार का खाना नहीं खाना। ऐसा भी कोई खाना होता है क्या मैडम? हाँ बच्चों, इसीलिए आज हम एक खेल खेलेंगे जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। अरे वाह खेल, इसमें तो बहुत मजा आएगा। मेरे पास दो डब्बे हैं, एक डब्बे पर लिखा है कभी कभी वाला खाना और एक डब्बे पर लिखा है कभी भी वाला खाना। कभी कभी और कभी भी खाने वाला खाना, इसका क्या मतलब होता है मैडम? कभी कभी वाला खाना वो खाना होता है जो हम रोज नहीं खा सकते, और अगर हम इसे रोज खाएंगे तो हमारी सेहत खराब हो सकती है। ऐसे ही कभी भी वाला खाना वो खाना है जिसे हम रोज खा सकते हैं, और इसे खाने से हमारे शरीर को जरूरी पोषण मिलता है। मैडम, उस टोकरी में क्या है? उस टोकरी में रखे हैं कुछ खाने की चीजों के खिलौने। ये खेल हम कैसे खेलेंगे मैडम? एक एक बच्चा सामने आएगा और इस कटोरी में से सिर्फ दो खाने की चीजों के खिलौने निकालेगा। उस खाने की चीजों के खिलौने को देखकर हमें ये बताना है कि वो यहाँ किस डब्बे में रखे जाने चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार लगता है मैडम। दोस्तों, क्या आप इस मजेदार खेल को देखना चाहोगे? तो इससे जुड़ा अगला वीडियो देखना ना भूलें और पता करें कि किसके हाथ में कौन से खाने के खिलौने आएंगे और वो कौन से डब्बे में जाएंगे। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।